हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पनीर कॉर्न कचौरी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पनीर कॉर्न कचौरी बनाने के लिए पनीर लिया 150 ग्राम, ऐसे छोटा पीसेस में कट के रखा। स्वीट कॉर्न लिया, मसाला में अदरक 2 इंच बारीक चॉप करके रखा। 4 ग्रीन चिली लिया, 1 चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली। डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल और पानी। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया। 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया, गरम होने के लिए रख दिया। ऑयल गरम हो गया, जीरा को ऐड कर दिया। अदरक और हरी मिर्ची को भी ऐड कर दिया। एक मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। सारे सूखा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। पहले हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। पहले अच्छी तरह से सूखा इंग्रेडिएंट्स ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। कॉर्न और पनीर को जो क्यूब में कट के रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पनीर को 2 मिनट मसाला के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ये कचौरी बहुत जल्दी बन जाते हैं। स्टफिंग बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। पनीर कॉर्न का मिक्सचर जो कचौरी बनाने के लिए बनाया वो ठंडा होने के लिए रख दिया। मैदा में नमक और 1 चम्मच ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पहले मोइन क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मोइन अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक डो बना के तैयार करूंगी। आटा गूंद के रेडी कर लिया। अभी ढक के 10 मिनट्स छोड़ देती हूँ। आटा सेट हो गया और एक बार अच्छी तरह से गूंद के रेडी कर लेती हूँ और इक्वल पोर्शन में कट के रेडी कर लेती हूँ। फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया और स्टॉपिंग भी ठंडा हो गया। अभी अगले प्रोसेस में जाऊँगी। एक रोलिंग पैन ले लिया और एक हिस्सा लेके ऐसे पहले बेल के रेडी करूँगी।
पनीर कॉर्न स्टफिंग का जो मिश्रण पहले बना के रखा था। ऐसे अच्छी तरह से उठा के चारों साइड ऐसे बना के और हाथों में, और ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगी क्योंकि पनीर है इसके लिए। ऐसे सारे बना के एक प्लेट में निकल के रखूँगी। सारे कचौरी को बना के तैयार कर लिया, अभी अगले प्रोसेस में जाऊँगी। ऑयल गरम हो गया, फ्राई होने के लिए कचौरी रख दिया। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप कर लेने का और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेने का। दोनों साइड अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेने का। कचौरी समोसा ऑलवेज लो फ्लेम में फ्राई करने का तो ज़्यादा टाइम क्रिस्पी रहेगा। दोनों साइड कलर चेंज हो गया। एक पेपर टॉवल में निकल के रखती हूँ। ऐसे सारे कचौरी को फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। और ऐसे थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल, हॉट ऑयल ऐसे स्प्रेड करते जाने का तो कचौरी बहुत अच्छी तरह से फूकता है। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद दूसरी तरह फ्लिप कर लेने का। ऐसे सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। पनीर कॉर्न कचौरी बन के रेडी हो गया। गैस बंद कर दिया और पेपर टॉवल में एक टॉवल सोक करने के लिए निकल के रखती हूँ। पनीर कॉर्न कचौरी कितना टेस्टी और क्रिस्पी हुआ आप लोग को काट के भी दिखाती हूँ। देखिए है ना मज़ेदार कचौरी। पनीर कॉर्न कचौरी रेडी हो गया, अभी प्लेटिंग कर लेती हूँ टमेटो सॉस और मिर्ची के साथ। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।